का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सबों के लिए। अगर आप विद्यार्थी हैं या विद्यार्थी के माता पिता हैं तो आपके लिए यह सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे साथ दो बड़े ही प्रख्यात अध्यापक हैं जो केंद्रीय विद्यालय में कई स्कूल में पढ़ा चुके हैं, बहुत ही गहन अध्ययन किए हैं, अध्यापन कार्य किए हैं। इनके पास 35 ईयर से भी ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है। ये हमारे हिंदी के शिक्षक हैं और ये मैथ के शिक्षक हैं, 10 तक के पढ़ाते रहे। तो आज मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे बच्चों के लिए इस स्पेशली कोरोना काल में जहां की रेगुलर क्लासेस नहीं हो रहे, बच्चे क्या करें ताकि उन क्षतिपूर्ति कर सके, कैसे पढ़ाई करें, गाइड से मदद लें, टेक्स्ट बुक से लें या ट्यूशन करें, कोचिंग करें या सेल्फ लर्निंग की कौन सी विधा को अपनाएं जिससे कि उन्हें फायदा हो सके, परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सके और आगे की कंपटीशन में भी सर्वोच्च स्थान स्थापित कर सके। तो सर आप टिप्स दीजिए सर। ओके सर, धन्यवाद सर ये अवसर देने के लिए। मैं मणिराम टीजीटी हिंदी शिक्षक और 30 वर्षों की सेवा के बाद मैं अगस्त 2020 में सेवानिवृत्त हुआ। तो जैसा सर ने प्रश्न किया है कि इस महामारी में जो है किस प्रकार से बच्चे लाभान्वित हो और उनके शिक्षण और उनकी जो पद्धति है, शिक्षण की पद्धति जैसा विद्यालय में होती रही है तो वो तो संभव नहीं है, किंतु कोई न कोई समाधान हमें ढूंढना है। जैसे सरकार ने और सभी विभागों ने हमें जो है ऑनलाइन टीचिंग का अवसर दिया है, तो इसमें भी कई तरह की समस्याएं तो श्रीमान जी आती हैं। कुछ बच्चों के पास जो है उस तरह का मोबाइल फोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन नहीं है। कुछ बच्चे गांव में रहते हैं, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लैपटॉप नहीं है। बहुत तरह की समस्याओं का सामना तो बच्चों को और उनके अभिभावक लोगों को भी करना पड़ रहा है। लेकिन क्या किया जाए, बच्चों की शिक्षा जो है जारी रहे और उनका भविष्य जो है उज्ज्वल हो, उनका एक साल का समय जो है बर्बाद ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ऑनलाइन टीचिंग का काम करते आ रहे हैं। हमारे जो अध्यापक लोग हैं तो वो करते आ रहे हैं। अब छात्रों को चाहिए कि जो भी 40 मिनट या 1 आवर का टाइम ऑनलाइन टीचिंग में मिल रहा है उसका वो सही ढंग से पालन करें, ध्यान से सुने। जब उनके हाथ में मोबाइल हो तो अच्छा होगा कि अभिभावक भी उनको नजर में रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाने से वो केवल मोबाइल को ऑन कर लेते हैं और देखते कुछ और है। तो इन पे नजर भी रखना जो है अभिभावक का काम भी है और बच्चों का काम भी है कि आपकी शिक्षा जो है बहुत जरूरी है, शिक्षा आपका भविष्य तय करती है। इसलिए जो है आप जब भी शिक्षा का काम चल रहा है, टीचिंग का काम चल रहा है, तो आप ध्यान से सुनिए और कुछ बातों को अपने पास नोटबुक रखिए, क्लास वर्क की हो या होमवर्क की हो उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हर चीजें जो है ऑनलाइन नहीं भेजी जा सकती हैं। तो जो चीजें टीच की जा रही, बताई जा रही हैं, उसको कभी कभी जो है उन चीजों को आपके पास नोटबुक होना चाहिए, उसमें आप नोट करते रहिए और इसके बाद जो है उसको रिवाइज करिए, जो है बार बार जो है उसको पढ़ना है। लेकिन केवल मोबाइल के द्वारा ही शिक्षण जो है वो संभव नहीं है, उसका पूरा लाभ जो है आपको नहीं मिल पाएगा और उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, कभी नेट चला जाता है, कभी लाइट चली जाती है, तो अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है आपके पास जो टेक्स्ट बुक है और जो आपके पास गाइड्स हैं या अन्य सहायक सामग्री है उसका भी अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो निश्चित रूप से जो है, और समस्या अगर कहीं आपको आती है जिस बात में भी, जिस पॉइंट पर समस्या आती है, समझ में नहीं आया, आप उसको रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद जो है अगले जब पीरियड हो टीचर का तो उसमें अपनी बातों को रखिए, अच्छी तरह से रखिए। जो गुरु लोग हैं, टीचर लोग हैं, वो आपके माता पिता के समान है। निश्चित रूप से आप जो है निसंकोच बिना किसी भय के निर्भय होकर के अपनी बात को टीचर के समक्ष रखिए, तब वो आपकी मन की बात को समझ पाएंगे और उसका समाधान जो है वो आपको दे पाएंगे।
तो निश्चित रूप से केवल मोबाइल के द्वारा ही शिक्षण जो है वह काफी प्रभावी नहीं होगा। इसलिए अगर आपको प्रभावी शिक्षण चाहिए तो निश्चित रूप से आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, जो आपके पास सहायक सामग्री है, जो आपके पास अभिभावक हैं, उनसे जो है आप सहायता लीजिए और सदुपयोग करिए। केवल जो है खेलने कूदने में या मनोरंजन में ही अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी का इस महामारी में भी कोई नुकसान ना हो, आप शिक्षा से लाभान्वित हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है हमारे जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को अब बेहतर ध्यान दे पाएंगे आपकी टिप्स को लेकर, और बच्चे अगर देख रहे हो तो बच्चे भी इससे जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।